यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने म्यूजिशियन, म्यूजिक अरेंजर और संगीतकार किशोर देसाई साहब। पिछले 50 से भी ज्यादा सालों से फिल्मी दुनिया के सुरीले गानों में गूंज रही है उनकी मैंडोलिन। फिल्म पारस मणि। फिल्म चौदहवीं का चांद। चौदहवीं का चांद हो फिल्म ताजमहल। प्यार का मौसम फिल्म के इस गाने का सिग्नेचर म्यूजिक। फिल्म वक्त की ये तान। मधुमती फिल्म का ये मशहूर गाना। अली बाबा 40 चोर। मैंडोलिन के ये सुर जादू हैं किशोर देसाई का। जाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में किशोर देसाई। इनसे बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। नमस्कार यूनुस साहब। नमस्कार किशोर जी। यकीन मानिए आपसे बातें करके बहुत मजा आ रहा है। और ये जो गानों की रिकॉर्डिंग के और आपके संघर्ष के और म्यूजिक डायरेक्टर्स के ये जो किस्से हैं, इन्हें सुनने के लिए ही तो हम और हमारे श्रोता तरसते हैं। तो अब हम अपनी इस बातचीत की आखिरी कड़ी में आ गए हैं और मैं अब एक बड़ा ही अलग तरह का सवाल आपसे पूछने वाला हूं। जिस जमाने में आप आए थे, उस जमाने में पी डेविड थे, परशुराम थे, तो आपको अपनी जगह बनाने में इतना स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल तो ऐसा था, डेविड साहब और परशुराम जी, मैं सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन में जब मेंबर बना, यानी एक बरस फॉर्म होने के बाद में, एसोसिएशन फॉर्म हुआ उसके एक ही बरस के बाद में मैं स्टंट टू हंसराज, तो वो हमारे सीएमए के कमिटी मेंबर में थी कि तुम काबिल हो मैंडोलिन बजाने को और तुम्हें काम मिलना चाहिए, मैं साइन करता हूँ। वो देवी परशुराम जी ये नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्मी ने कितना अच्छा बताया, मैं सबके जिससे जिससे जितने सीखने वो मैं सब देने को मुझे अच्छा लगता है। या लक्ष्मी जी ने एक इन्वर्शन होता है, यानी एक पोजीशन होती है, वो पोजीशन चेंज करके दूसरे पोजीशन में बजाना है तो कैसे बजाना, वो लक्ष्मी जी ने जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, वो ऐसी बात ही है जी। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।
होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। आपने इतने सारे गानों में इतने बढ़िया बढ़िया पीसेस बजाए हैं, शोज में आपने बजाए हैं, तो जनता में थोड़ा लोगों को मालूम पड़ गया है। लेकिन क्या इस बात का अफसोस रहा कि उतना नाम जितना म्यूजिक डायरेक्टर को मिला, इतने बढ़िया बढ़िया पीस बनाने के बाद आम जनता के बीच में जो पहचान मिलनी चाहिए? पहले तो नेम वैल्यू पिक्चर में रिकॉग्नाइज नहीं होती थी। जी जी, जब टाइटल होता था तो नेम वैल्यू जिसको कहते हैं कि टाइटल में सरोद प्लेड बाय, मैंडोलिन प्लेड बाय या सितार प्लेड बाय, कोई किसी का नाम तो दिया ही नहीं गया। हालांकि एयरगेर का नाम आप देखा जाए, मेकअप मैन असिस्टेंट उसके नाम, अरे मेकअप बराबर है, मेकअप बाजे बजाने का काम है। हमारे प्रोफेशन में इतना मुश्किल काम है जो गाने का भी नहीं है। आप बाजे आप गाने वालों को अपना अपनी जहनी वो जो काम में आती है। बिल्कुल, जब बाजे बजाने वालों को नोटेशन क्या बजाना है, कैसे बजाए, क्या क्या मतलब उसके अंदर बारीकियां बातें हैं, वो सब संभालना है, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैं बाजा बजाने वाला हूँ करके, सही है। सारंगी, सरोद, चेलो, वायोलिन, ये सब बेपर्दे बाजे हैं, इसमें कुछ है नहीं। फिर भी उसको में जैसे जाकिर भाई, वो अपने डगे पे वो सा बजा, जो गाने का क्लासिकल का चलता तो डगे पे वो सा कायम रख के बजाते, वो जो सुर है वही सुर डगे में ला के बताते। तबले पे तो मिलाया जाता है बिल्कुल, लेकिन दाएं में बताइए,
सुरबता बराबर जाती, वो बड़ी मुश्किल बात जी। संगीतकार चित्रगुप्त के साथ आपका बड़ा याद है वो कि लक्ष्मी जी म्यूजिक डायरेक्टर बनने लगे 61 ऑनवर्ड्स, तो चित्रगुप्त जी से उन्होंने मशवरा लिया कि मेरी जगह किशोर को भेजा करूंगा, आपको देगा ना क्या, मतलब 2 बरस 3 बरस लक्ष्मी के साथ मैंने बजाई। बाद में बोले कि आप देखो किशोर तो अच्छा बजाता है, मेरी अकेली की अगर जरूरत है तो मैं किशोर, लेकिन चित्रगुप्त जी ने बोला कि जब तुम नहीं आ सको, तुम्हारा म्यूजिक का काम है, तो यू कैन ऑलवेज सेंड किशोर। तो वैसे मेरी जगह चित्रगुप्त जी के पास में लक्ष्मी ने मुकर्रर कर दी कि जो पहला मैसेज मिलेगा तो किशोर भाई को मिलेगा। देखो ना रवि साहब के पास भी क्या हुआ कि जिस गाने में किशोर भाई नहीं रहेंगे वो गाना नहीं बजाऊंगा मैं, तो भी चित्रगुप्त जी के पास में भी मेरा ये रहा। और दूसरा कि श्री रामचंद्र साहब के साथ मेरा बहुत ही गहरा रिलेशन था, तो राजेंद्र कृष्ण जी के मेरा रोज आना जाना रहता था, तो राजेंद्र कृष्ण जी चित्रगुप्त जी के भी गाने लिख, मैं राजेंद्र जी के घर बैठे थे तो वहां मैं बैठा था, मैं कहा अभी राजेंद्र निकलता हूँ, बोला ठहर अभी चित्रगुप्त जी आ रहे। चित्रगुप्त जी आए तो बोला कि ये किशोर है, तो बोले हाँ मेरे रिकॉर्डिंग में बजाता है। राजेंद्र जी क्या बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको ज्यादा बुलाया करो। तब आपने कह दिया सो हो गया। कुछ मशहूर गाने जो चित्रगुप्त के लिए आपने तैयार किए, वो मैंने और लक्ष्मी ने साथ में भी भेजा था, वो गाना नहीं आ रहा, वो मालकोम स्मिथ था, तो वो मैंने और लक्ष्मी जी ने साथ में बहुत हिट हुआ गाना वो चित्रगुप्त जी का। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेकिन मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी बली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। ये बहुत अच्छा गाना था, बहुत हिट हुआ, और वो मैंने और लक्ष्मी जी ने साथ में बजाया था, दीदी ने गाया था, तो ऐसे बहुत सारे थे। और रोशन जी का तो रह गया सब कहना, हमारा जैसा रिलेशन क्या था रोशन के साथ, क्या हुआ कि उसके आगे रोशन जी का रिकॉर्डिंग था जिसमें मैं एज ए म्यूजिशियन, तो उस म्यूजिशियन वो दोपहर को रिकॉर्डिंग जो थी रफी साहब गाना गाते थे उस टाइम पे, म्यूजिशियन किसी म्यूजिक डायरेक्टर के गाना खत्म करके रोशन जी के दोपहर के रिकॉर्डिंग के लिए महबूब स्टूडियो में लेट आए। अब लेट आए और अपना बाजा खोल खोल के सब बजाना शुरू कर दिया, जरा नाराज हुए, और रफी साहब महबूब में खड़े थे, वो उसकी डिजाइन अच्छी थी, अलग थी एकॉस्टिक डिजाइन, तो क्या था रिकॉर्डिंग बाद में रफी साहब या लता जी जो गाएगी वो बूथ म्यूजिक डायरेक्टर को हॉल, तो रिकॉर्डिंग सिंगर के बूथ से नहीं गुजर के जाना पड़ता था, तो वहां से बाहर आए थोड़े गुस्से में, सबको लगा किसके पे नाराज हो रहे हैं, तो रफी साहब भी हॉल में आ गए। अभी जैसे हॉल में आ गए तो रोशन जी ने बोला जो म्यूजिशियन लेट आए हैं वो सब अपने घर वापस जाए, एकदम हार्ड टोन में बताया, तो रफी वारने लगे,
अरे रोशन जी जाने दो, जान बुझ कटाते। रफी साहब तुसी चुप करो, पंजाबी में हो सकता मैं तेनू वापस कर दूं। तो बोले अब रफी साहब बेचारे चुप हो गए, और मिशन को भाग आया था वापस भेजा। आप लेट आए, आप जाए वापस, सुबह 7:30 बजे टेक है। और मैं क्यों लेट आया, जल्दी जाता तो याद आया, अरे भाई रोशन जी की टेक है, जल्दी जल्दी तैयार होके। मैं हेल ड्राइवर जैसा ही था, मेरी गाड़ी भी स्पोर्ट्स गाड़ी थी। मैं 20 मिनट में चौपाटी से महबूब स्टूडियो बांद्रा पहुंचा। तो मैं बाजा लेके, उस टाइम पे एक सीढ़ी अंदर से लगती थी जो हॉल पे जाती थी, सीढ़ी से इतनी बड़ी सीढ़ी से ऊपर चढ़ा, हाथ में बाजा लेके मेन एंट्रेंस से बाहर ही खड़े रहे। मुझे देखे तो एक मैं मुझे कहा, क्या ऐसे रोशन जी मैं लेट आया हूं, इशारे से बोले अंदर जा चुपचाप। बात नहीं की, इशारा की, जा अंदर जा चुपचाप। तो मैं चुपचाप अंदर चले गया, बाजा बजा लिया। आस्ते से पूछा गया, क्यों लेट आया, शादी हो गई थी तो शादी थोड़ी नहीं हुई है तो। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पहले से बोला कर। तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो, तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बार क्या वो फ्रिक्वेंट हार्ट दौरा पड़ता था, दिल का दौरा पड़ता था। अब मैं असिस्टेंट बन चुका था उस टाइम। हीरा जी भाभी जी को बोल कि डॉक्टर भी आए कमरे में मत आने देना। मोर्फिया उस टाइम पे हार्ट का पेन कम करने के लिए मोर्फिया का इंजेक्शन लिया जाता था, तो वो खुद ही मोर्फिया का इंजेक्शन ले लेते थे। तो मोर्फिया का इंजेक्शन लिया और उनका एकदम कोने में कमरा रहता था, और बाजू में एक सोफा जैसी चेयर है, और जो अस्पताल में बेड रहता है इतना बड़ा ही बेड उन्होंने बसा के रखा था, और ऊपर नीचे होगा तो जैसा कम पैसा एडजस्टमेंट होता है। वो लेके वो तो मोर्फिया लेकर सो गए थे। डॉक्टर भी आए तो वापस मत करना, लेकिन किशोर आए तो डायरेक्ट मेरे कमरे में भेजना, वो आता है तो मेरी तबीयत अच्छी हो जाती है। मैं पहुंचा तो ईरा जी ने भाभी जी ने बोला, आपका बुरी तरह इंतजार करते करते अभी आंख लग गई, सो गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर बोला ही है कि उन्होंने कमरे में बुलाया है तो मैं जाके बैठता हूँ, और वो चेयर पे मैं बैठ गया। अभी 15 मिनट तक रोशन जी सोते रहे, मैं बैठे रहा। जैसे रोशन जी ने आंखें खोली मुझे, अरे तू आ गया, क्या गया? मैंने कहा ये 5 मिनट हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, बोले चाय पियोगे क्या? बोले नहीं रोशन जी, दोपहर को क्या चाय। हाँ भाई शेर घास क्यों खाता। मेरे बोले ऐसी बात नहीं है अभी, और अब 2-3 मिनट हो गई और उठ गए अपने कॉट से। अरे मैं कहा रोशन जी आपको हार्ट का तकलीफ है, आप सोते रहिए, कल आ जाऊंगा। नहीं बस तू आ गया, दर्द गया, अब चलो। और बाद में हम लोग
बाद में उनके मेन कमरे में जहाँ हारमोनियम तबले रहते वहाँ काम करने बैठ गए। तो उस टाइम पे रेडियो चल रहा था और रेडियो बंद किया तो गाना चल रहा था, मैं आशिक हूँ बहारों का टटा डरडा, वो गाना चल रहा था, वो बंद कर दिया और हम लोग काम करने लगे चित्रलेखा का। क्या वर्षा वाक्य होता वो कहीं भी है। एक बार वो था गाना रहे न रहे हम डा डा, तो उसमें प नि प ग प ग सा ऐसा वो एक पीस था मेरा। मैं कहा रोशन जी मुझे प स प ग प ग ऐसा मुझे अच्छा लगता। मास्टर जी किशोर ने बोला वो नोट लिख दो आप प स प न द म द द होगा। तो वो ऐसे सारे किशोर ने बोल दिया हो गया, प्यारे भाई किशोर भाई ने जो बोल दिया वो हो गया। अभी एक टाइटल म्यूजिक रिकॉर्ड हो गया, सेफ्टी चेक दूसरा टेक लिया, फिर तीसरा भी लिया। तो प्यारे ने वहां से कंडक्ट करते थे, तो प्यारे भाई ने बोल दिया कि भाई वो टेक थ्री अच्छा लगता है, वही ओके करो। तो मैंने माइक से प्यारे भाई को बोला, प्यारे भाई जरा आके सुन लो, मुझे टेक टू अच्छा लगता है। अरे नहीं नहीं, बंसाली साहब, बंसाली रिकॉर्ड करते थे। ओ बंसाली जी, किशोर भाई ने टेक टू बोला, वही ओके, टेक थ्री ओके नहीं है, किशोर भाई ने बोल दिया बस। तो वैसे हुआ कर लक्ष्मी, देखो ना किशोर भाई का अगर सर नहीं आया तो कंपोजिशन चेंज कर देता था। ए मेरे वतन के लोगों की रिकॉर्डिंग और उसके कंपोजिशन से जुड़े हुए किस्से सुनाइए। देखिए हकीकत यही है कि श्री रामचंद्र साहब अन्ना जी ने ये कंपोजिशन की और कवि प्रदीप जी ने लाजवाब लिखा, और दोनों के मतलब ये अंडरस्टैंडिंग थी मेरे साथ। मैंने बोला कि मुझे अपने नोटेशन लिखाया, कवि प्रदीप जी के साथ में बैठ के मैंने कुछ कुछ पीसीस के नोटेशन किए, इंटरवल म्यूजिक आता है तो किए, लिखे मैंने। लेकिन मैंने बोला गाने का हेडिंग तो बताओ, तो कहा नहीं बताऊंगा। नहीं बताने का नहीं है कि आए मेरे वतन के लोगों, ये भी बताने का नहीं, वैसा ये कॉन्फिडेंशियल रखा गया आपस में। कवि प्रदीप जी जानते थे और श्री रामचंद्र जी जानते। पूरा रिकॉर्डिंग हुआ, रिकॉर्डिंग पहले नहीं हुआ है ये आपको मैं बता दूं कि पहले दिल्ली में शो हुआ, नेशनल स्टेडियम शो में हुआ, और शो में हम लोग ने बजाया। उस टाइम पे मैं प्रोपेलर वाले प्लेन में गया था, अशोक होटल में ठहरा, हमको अन्ना जी साहब ने करवाया था। तो वो प्रोपेलर वाला प्लेन का नाम सुपर कॉन्स्टलेशन, उसमें मैं जॉनी वगैरह सब गए थे, और वहां दिल्ली में शो में पूरा जो पीस मैंने जो लिखे भी थे और जो जॉनी ने जो बताए वो हम म्यूजिशियनों ने सब बजाए थे। बाद में नेहरू जी की आंखों में पानी आया और ये गाना तो
बहुत ही मतलब मायने रखता है, तो उसलिए उसकी रिकॉर्डिंग करवाई गई और वो पुराने बॉम्बे लैब पहले माले जो था वहां रिकॉर्डिंग हुई और शर्मा जी ने रिकॉर्ड शर्मा उन्होंने रिकॉर्ड किया। कवि प्रदीप जी और यूनिवर अपने ये श्री रामचंद्र साहब, ये इनका तीन का बड़ा योगदान है ये गाने में। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा योगदान तो हमारी भारत रत्न लता जी का है, लता मंगेशकर। बिल्कुल बात मुझे कई लोगों से बात करने के बाद पता चली है कि जब आप बजाते थे तो लोगों की नजर आपकी उंगलियों पर रहा करती थी। हाँ, हाँ, कि मैंडोलिन है बराबर है। और कई जानकार लोग उसमें से एक उंगली पर चढ़ी अंगूठी पर नजर रखते थे। हाँ, हाँ, इस अंगूठी का क्या राज है? ये बड़ा आपने अच्छा पूछा। आज भी आप यकीन मानिए वो अंगूठी लेके आने वाला था। लेकिन वो अंगूठी में हुआ क्या, देखो अभी आप मानो न मानो, मैं हाजी अली के पास से गुजरा और एक फकीर के मैं देखा कि ये फकीर जा रहे हैं, तो मैं फकीर साहब को रुकाया। मैं कहा आप जो ये अंगूठी मुझे दे देंगे? बोले तुम ले लेगा? तो मैंने बोला मुझे चाहिए। मैं अंगूठी उनसे मुझे उन्होंने मुझे नजर की तो अभी वो अंगूठी मैंने फकीर साहब को बोला कुछ अपना जरा मंत्र अंतर पढ़ दो ना। तो उन्होंने कोई कलमा बड़ा पड़ा फूंक मारी और फिर मुझे जा बेटा मजाक ऐश कर, और वो मैंने अंगूठी पहन ली। अब जैसी मैंने पहन ली, अरे न जाने कहां कहां से रिकॉर्डिंग आने लगी और दिन का चार चार रिकॉर्डिंग बजाने लगा। हर जगह पे किशोर भाई चाहिए, हालांकि मैं लेट लतीफ, हर जगह लेट पहुंचने वाला, उसलिए नैयर साहब का काम तो ले ही नहीं पाया मैं कि अगर लूंगा तो बेइज्जती होगी, वापस ही भेजा जाऊंगा। तो मैं तो नैयर साहब ने सुन के घर आए थे मेरे। नैयर साहब आए मेरे, क्या रे तू मेरी रिकॉर्ड में क्यों नहीं आएगा? अरे बोला नैयर साहब आप इतने बड़े और हमारे घर और मैं एक नाचीज हूँ, मैं क्या आपकी रिकॉर्डिंग में, लेकिन मेरा ये है कि मैं लेट पहुंचूंगा तो मेरी ये मतलब कॉम्प्लेक्स ऐसी है कि मैं आपको फिर खुश नहीं कर पाऊंगा। बोले तो एक बार तो कोशिश कर टाइम पे आने की। तो ऐसे मैंने बोला कोई ऐसी मौका मिलेगा तो आ जाऊंगा। तो लेकिन फिर भी सादिक भाई थे, सादिक भाई
मैसेंजर, तो सादिक भाई को मैं यही कहता था, देखो मैं लेट आऊंगा और नैयर साहब को अच्छा नहीं लगेगा, उससे अच्छा जो लेट आता उसके बाद नैयर साहब का अलग ही होता था। तो फिर राज की बात यह है कि मैं सुबह उठ के मालिक का नाम न लूं, जैसे आप अपने में नमाज नहीं पढ़ ले तो मैं मालिक का नाम न ले लूं, तब तक मुझे मेरी इनर कॉन्शियस जो है वो काम नहीं करती है, मुझे मतलब काम करने को जी नहीं करता। जी जी। अब ये सब हो जाने के बाद में अब मुझे बराबर है, तब मैं बाहर निकलता हूँ। जी जी। और जो काम करता था वो एकदम फर्स्ट क्लास होता था। बिल्कुल। तो ये अंगूठी उसमें बड़ा मतलब पुश देती थी मुझे। अभी मैं लेट आया प्यारे की रिकॉर्डिंग में, मैं मुझे ग्रीन कार्ड था, मतलब कभी भी आओ तुम आ जाओ। तो मैं पहुंचा 12:30 बजे और मैंने जो पीस था वो मेरे ढंग से, मैंने माइक्रोफोन की टेस्टिंग थी तो मेरे ढंग से मैंने बजाया। तो वहां से प्यारे भाई ने बोला जैसे किशोर भाई बजाते हैं वैसे ही सब लोग बजाना। तो शैलू बोलता है किशोर भाई हम सुबह से झक मार रहे और आपने आया और पीस की शक्ल चेंज कर दी, अभी हम लोग को भी ऐसा ही बजा लेगा। तो काश हम लोग भी लेट आते तो ये डबल मेहनत ना करनी पड़ती। मिल ना सका दिल को मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा मिल ना सका दिल को गाल पर गुलाब के शबनम है जिंदगी प्यार के लिए तो बहुत कम है जिंदगी उड़ती हुई उस उम्र को एक तेरा सहारा आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा मिल ना सका दिल को अपनी ये छोटी सी मुलाकात बहुत है जितनी देर तेरा मिले साथ बहुत है बस एक झलक एक नजर एक इशारा आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। एक बार क्या हुआ कि प्यारे भाई एक बार इत्तेफाक से वो भी मेरे तरह जरा आराम से ही लेट ही आते थे, वो खुद भी इत्तेफाक से प्यारे भाई जल्दी आए बराबर 9:30 बजे टच महबूब में और प्यारों पे बैठ गए और सबको डांटने लगे तुम लोग क्या करते हो वो वहाँ बैठा है वो कैंटीन पे घूम रहा है ऐसा काम होता है क्या सब लोग सामने बैठो अपना बाजा बराबर ट्यून करके एक बार क्या जल्दी आ गए। ये अच्छा तो उस टाइम पे भी मैं नहीं आ रहा था मेरा आने का टाइम हुआ नहीं था। अब हुआ क्या कि वो एक जसवंत जी करके म्यूजिशियन है वो भी मंदिर से होके निकलते हैं तो मैं मंदिर में बैठा पाठ कर रहा था बांद्रा में सोमानी का मंदिर में मैं बैठा था अभी बैठा बैठा मैं मेरा पाठ करता हुआ एक पाठ मेरा चलेगा 15-16-17 मिनट कम से कम अभी वो जसवंत जी आके वो देख के गए तो
पूजा में लगा हुआ है कि जब तक नहीं होगा वो निकलेगा भी नहीं। वो जल्दी अपना महबूब में पहुंच गया। अभी प्यारे भाई यहाँ सबको फायर कर रहे। फिर प्यारे भाई ने चिल्ला के कहा है किशोर भाई, तो बोले नहीं अभी तक नहीं आए। तो जसवंत जी से नारा गया। जसवंत जी बोलने लगे किशोर भाई आए तो टाइम से है लेकिन मंदिर में बैठे पाठ कर रहे। तो प्यारे भाई का गुस्सा एकदम ठंडा कि भाई किशोर भाई आए तो है। तो प्यारे भाई बोले दिल में कहा शायद सोचे भी होंगे कि दो बातें मुझे सुनाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ अपने आप बिजली चली गई। तो प्यारे भाई का जल्दी आना नाकाम रहा और सब लोग बैठे बिजली की इंतजार में कि बिजली आएगी तो काम शुरू करेंगे वरना क्या काम होगा। अब मैं उसी टाइम पे प्यारे भाई के अंदर मतलब स्टूडियो में जैसे मैंने एंट्री की कि अपने आप लाइट आ गई। आप यकीन मानिए हकीकत है ये। प्यारे भाई बोले ये कोई अच्छे फेर वाले आदमी है, इसको कभी डांटो मत।
किशोर जी, आपके बाद की पीढ़ी के मैंडोलिन वादक किस तरह के रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और उनमें से कुछ का जिक्र, कुछ का नाम लेना चाहें आप? नाम तो देखिए अच्छा है कि नई पीढ़ी के लोगों में, नई पीढ़ी में एक लड़का ऐसा है कि जो हमारी पीढ़ी में जूनियर था और नई पीढ़ी के लिए पहले सीनियर जैसा है। एक आदमी है, उसका नाम है कामोद भावसार, वो भावसार का बेटा है, अभी भी बजाता है। और दूसरा लक्ष्मीकांत किशोर शर्मा का छोटा भाई, वो भी आज की पीढ़ी के लिए अच्छा मतलब जमा हुआ है। एक चंद्रकांत है, चंद्रकांत अच्छा मैंडोलिन बजाता है। पहले तो वो मिल्स में जॉबर का काम करता, बाद में उसने बहुत पुरुषार्थ किया और अच्छा प्रैक्टिस करके वो ये हमारे साथ में बजाने लगा। एक जयंती गोशर है, वो भी बहुत अच्छा गिटार 12 स्ट्रिंग तो लाजवाब और मैंडोलिन भी अच्छा बजाता। अभी ये क्या है कि सबकी म्यूजिक डायरेक्टरों की और रिकॉर्डिस्टों की अपनी अपनी तबीयत है। अभी जैसे मेरा टोन जो है वो कोई भी सुनेगा तो रजिस्टर हो जाता है। और ये यकीन कैसे हुआ कि उषा खन्ना जी का रिकॉर्डिंग था, तीन मैंडोलिन वाले बुलाए थे, मुझे नहीं बुलाया था। उषा खन्ना जी क्या बोलती, अरे ये सब मरा हुआ आवाज आ रहा है, कोई अच्छा कोई ताजगी भरा कोई बाजा मैंडोलिन बज नहीं रहा, ऐसा बोला। तो फिर मास्टर जी ने बोला कि एक आदमी है उसको बुलाओ, तो कहीं आपको जम जाए। तो मुझे लेट मैसेज आया, तो गाने में मैं लेट पहुंचा और जैसे वो सब पीस मैंने बजाया एकदम ब्राइट हो गया। तो कैसी ने भावसर को बोला भी, यार क्या तुम मरा हुआ सब बजाते, ये देखो कैसा बजाता, जान आ गई पीस में। तो ऐसा वो रजिस्टर होने लगा था। उषा जी के भी सब गाने बजाए मैंने, हम हिंदुस्तानी, फिर वो हम हिंदुस्तानी का दूसरा माजी मेरी किस्मत को जी चाहे वहां ले चल, माजी मेरी किस्मत के जी चाहे जहां ले चल, जी चाहे जहां ले चल, माजी मेरी किस्मत के जी चाहे जहां ले चल, चाहे
किशोर जी, एक जमाना था जब आप लाइव म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स में बजाया करते थे, बाद में ट्रैक्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बहुत सारा आ गया। हाँ। क्या असर पड़ा आपके काम पर और म्यूजिक पर? पहले पहले तो चंदू हलवाई जैसा लगता था, यानी काम ज्यादा हम लोग को मिलने लगा कि एक गाना जो सुबह चालू किया तो 3:30-4 बजे तक तो हो जाना चाहिए था। अब ये स्टीरियो आ गया, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स आ गए, तो उस टाइम पे मल्टी ट्रैक बताया तो खाली 6 ट्रैक तक मैक्सिमम था। तो उसमें अपने टैगोर द रिकॉर्डिस्ट वो क्या करते थे कि जो 4 ट्रैक या जो भी रिकॉर्डिंग हो गई है उसको वो फोटो में ट्रांसफर कर लेते थे गैल्वो में। फिर ऊपर गैल्वो का मशीन रिप्रोडक्शन करता था और उसके ऊपर एडिशनल 4 ट्रैक्स रिकॉर्ड होते थे, ऐसा होता था। तो उसमें ये प्रोसीजर में टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, बहुत टाइम जाता था, तो हम लोग को ओवर टाइम भी ज्यादा मिलता था। सब लोग को मेरी अंगूठी पे निशान होने लगे थे कि ये अंगूठी आई तो हमको 10-10, 11-11 घंटे का ओवर टाइम मिलता है क्योंकि ओवर टाइम भी मस्ट हो गया। जी जी। पहले तो हमारा जब 4 घंटा ओवर टाइम हुआ तो म्यूजिक डायरेक्टर बोलेगा, वैसा म्यूजिशियन मान लेते थे, 2 घंटे का एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में जब बढ़ने लगा काम तो नैयर साहब ने बोला कि ऑन सेट ओवर टाइम होना चाहिए, तो नैयर साहब के वजह से पूरा ओवर टाइम ऑन सेट मिलने लगा। और कैसी जी हमारे प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बोल दिया कि 15 मिनट का ग्रेस रहेगा, 15 मिनट के बाद में आधा घंटा ओवर टाइम चालू हो जाएगा और आधा 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 एक्सीड होते रहेगा। तो वैसे कैसी जी का भी कायदा ऐसा था हम लोग का कि ओवर टाइम पूरा मिलने लगा था। और उसमें ये मेरी अंगूठी ये भी है, आपको बोलूं, यश जी तो अभी ना रहे, मालिक उनकी रूह को सुकून दे, लेकिन यश जी ने मुझे ऑफर दी, एक गाने ये शिव हरी का रिकॉर्डिंग था और मैं कैसा रिकॉर्डिंग हुआ वो सुनने टैगोर जी के पास मैं बूथ में चले गया। तो सुन रहा हूँ तो यश जी ने वो अंगूठी देखी और मेरी अंगूठी का राज मालूम पड़ा था। तो आए, किशोर भाई आप तो मेरे दोस्त हो, मैं आपको यही साइज की हीरे की अंगूठी देता हूँ, आप ये अंगूठी मुझे दे दो। तो मैंने बोला नहीं, ये नामुमकिन है, किसी फकीर की ये मुझे मिली हुई ये है, सर पे हाथ है, मैं कैसे दूं, और मैंने नहीं दी थी। दूसरा ऐसा ही एक किस्सा है अंगूठी का, और रेशमा जी का गाना था LP का, कितना अच्छा गाना था, लंबी जुदाई। अभी मैं तो लेट आया, लक्ष्मी जी बैठे है रेशमा जी के साथ अपने सीने सिंगर्स के बूथ में, तो मैं बाजा रख के बराबर लक्ष्मी जी के पास गया, तो ये दरवाजा था, एक आदमी को एंट्री कर सकता था, दरवाजे पे ही अपने अब राजकुमार जी ये खड़े थे। तो फिर वो के लक्ष्मी जी परवीन सुल्ताना जी के साथ में बैठे थे और मैं आया राजकुमार जी के पीछे खड़ा रहा। अब राजकुमार जी लक्ष्मी जी से ये कर रहे कि भाई मैं कोई 80,000 रुपए लाया हूँ, बात हो जाएगी? बोले आराम से हो जाए, आप 10-15 हजार वापस लेके जा सकती है। बाद में जैसे वो जाने लगे मुड़े मुझे देख ले, मुझे देखा तो उनके साथ में सेक्रेटरी पोर्टफोलियो लेके खड़ा था। बोले वो अपने बैंक में अभी 35,000 है, वो भी लेके आ जा। अब ये दिख गए किशोर भाई, दिख गए तो अभी कोई भरोसा नहीं। अब इतना ये भी पैसे कम पड़ जाएंगे। और वाकई में ऐसा ही हुआ, वो 35 लाए थे हजार, 35,000 वो भी इस्तेमाल हो गए और गाना खत्म हुआ था। तो ऐसा मतलब हुआ करता था। अच्छा, पुराने जमाने की म्यूजिक और आज के जमाने की म्यूजिक में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप, पसंद आता है या नहीं आता है? मुझे पसंद जरूर आता है, ऐसा कैसे कहूँ कि नहीं आता, लेकिन अभी बात है काबिलियत की, तो मैं विथ ड्यू अपोलॉजी लेट मी टेल यू कि जो म्यूजिक डायरेक्टर पहले समझ रखते थे वो आज के कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है। अब सब एक दूसरे के मतलब ये टोन नोट अच्छा है तो वो नोट रख लो, क्यों रख लो वो कुछ नहीं। अभी देखिए जैसे तुम्हारी मस्त नजर, अभी वो जो बात है वो कैसे आएगी है? फिर जो वादा किया वो कैसे आएगा? ये लोग क्या कैसे लाएंगे? ये जैसे महफिल में जल उठी शमा, तो कैसे आएगा ये सब? फिर ये शंकर जी के कितने अच्छे अच्छे गाने थे, एहसान तेरा होगा मुझ पर,
वो गाना कौन बनाता है आज? एहसान तेरा हो गा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो, एहसान तेरा हो गा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। उषा जी ने जो गाने बनाए वो भी लाजवाब बनाए, नैयर साहब ने बनाए वो भी लाजवाब बनाए, रोशन जी ने जो बजाए या कल्याण जी, आनंद जी ने, लक्ष्मी जी ने, प्यारे जी ने, ये जो सब काम हो गया है, जय किशन हा 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 क्या काम किया उन्होंने। एक किस्सा ऐसा जय किशन जी का याद आया मुझे, बसंत बहार में उन्होंने चांस दिया जय किशन जी। अब जय किशन जी कैसा, मुझे हर टाइम शाम को फोन करेंगे दोपहर 5 बजे 5:30 बजे, किशोर मैं चौपाटी रहता मेन रोड पे, मैं हॉर्न मारूंगा तू नीचे रेडी आ जाना, नीचे खड़े ही रहना हम आगे जाएंगे, तो मुझे लेके चलते थे। तो एक बार गए बॉम्बे ली होटल में बैठे, वो गेलोड में ज्यादा बैठते थे तो बॉम्बे ली में बैठे, तो उधर टोनी पिंटो रेगुलर म्यूजिशियन था होटल का, वो पियानो पियानो बजाता, तो टोनी पिंटो ने मुझे हाय किशोर बोला भी, तो जय किशन जी ने देखा कि पियानो वाला अच्छा है, मैं कहा बहुत अच्छा है, कितना अच्छा आर्पेजो का है उसका, मतलब पियानो में हाथ बहुत अच्छा था, उन्होंने मार्क कर लिया। तो आगे फिर बढ़े, एक बार जय किशन जी मुझे होटल से बोले चलो अभी बाहर चलते हैं, तो मैं जय साहब के साथ गाड़ी में बैठ गया, तो हम लोग गाड़ी लेके कहाँ गए उस टाइम पे, उधर पटरी थी जो दरिया के तरफ जाती थी, एक बाजू गहरा दरिया था और दूसरी बाजू छोटा सा दरिया का नपा, सिर्फ पानी था दरिया, और दरिया वो जहाँ पानी था वहाँ किनारा था और किनारा सिर्फ रेत का था, और रेत पे 10-12 गाड़ी खड़ी रह सकती थी, तो उसमें सब यंग कपल्स सब आते थे प्यार करने। तो जय साहब ने वहां गाड़ी पार्क की, अभी इतना बड़ा स्टेयरिंग था वो टाइम पे, टक 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 करते हैं और चुप रहते हैं, तो मैं भी खामोश रहता था, मैं कहा क्या बोलूं, क्या कुछ सोचते होंगे। तो एक बार बोले हो गया, मैंने बोला जय साहब क्या हो गया, अरे तुमको मालूम नहीं मैं कंपोज करता हूँ। मैंने बोला आप कंपोज करो, कुछ बोलो करो तो गाओ करो तो मालूम पड़े, बोले मैं दिमाग में ही कंपोज करता हूँ। और वो गाना था इतनी बड़ी महफिल में दिल इसको दूं या किसको, वो जो गाना वो ऐसा जैसा आपका किस्सा याद आया। क्या बात है, क्या बात। इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं, दिल किसको दूं, इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं, दिल किसको दूं, ये दिल ये वो दिल जिसको पाला था हमने बड़े नाज से। किशोर जी बहुत सारा समय आपने हमें दिया और बहुत अनमोल किस्से आपने सुनाए, बहुत सारी ट्यून्स बनने की कहानियां, और खुद आपने अपना मैंडोलिन भी हमें सुनाया, कई ट्यून्स बजा के सुनाई। इस बातचीत के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि मेरी बातें सुनने वाले आपने मुझे सराहा और आपने सारी बातें मेरी सुनी, रिकॉर्ड करवाई, और सब लोगों को आप मेरी बातें पेश करेंगे तो मुझे कितना अच्छा होगा, मेरे जो चाहते होंगे उनको भी कितना अच्छा लगेगा, और मैं वाकई में जितने आपको धन्यवाद दूं उतने कम है। थैंक यू वेरी मच। विविध भारती को भी ये जितने धन्यवाद दूं उतने कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में किशोर देसाई से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर स्वाति भंडारकर, प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी।